तो मैं बता रहा था कोई हिस्ट्री मम्मी के बारे में। तो मम्मी भैया 500 साल पुरानी है। मम्मी का नाम भाई सांगा तिंजन नाम है उनका, मम्मी का नाम है। निकलते भैया, कहाँ निकलते हैं? ताबो के लिए। अब ठीक है, कहाँ चलेंगे हम? ताबो जाएंगे अब। तो अपन लास्ट वीडियो में बात किए थे ग्यू मिनिस्ट्री के बारे में, एंड अब बात करते हैं भैया ताबो मिनिस्ट्री एंड ढंकर मिनिस्ट्री, वर्ल्ड हाईएस्ट मिनिस्ट्री। ये आपको 1000 साल पुराने मिनिस्ट्री है जो पूरा मिट्टी का बना हुआ है। ये आपको पूरा आपको हैंडमेडेड है। तो अभी का अपडेट, हम ताबो से निकले हैं, जा रहे भाई ढंकर मिनिस्ट्री, बट रास्ते में जो व्यू मिला उसका कोई जवाब नहीं है। तो एक चीज है भाई, तो ढंकर मिनिस्ट्री है आपको वर्ल्ड हाईएस्ट मिनिस्ट्री है, मीन्स वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मिनिस्ट्री है। तो ये आपको होगी न्यू मिनिस्ट्री, और ओल्ड मिनिस्ट्री वहां पर है, वाली ओल्ड है, ये न्यू है। यहाँ से दो रास्ते गए हुए हैं, एक चला गया आपको चला गया काजा, एक गया आपको ढंकर मिनिस्ट्री। सो फाइनली पहुंच गए ताबो, ये आपको सामने में ताबो मिनिस्ट्री है। चलो तो अपन अब निकलते हैं भाई, ग्यू मिनिस्ट्री करते हैं, बाय बाय करते हैं, अब निकलते हैं ताबो के लिए। चलेंगे ताबो में, चलेंगे वहाँ करेंगे मिनिस्ट्री करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो फॉर राइड, पकड़ो। तो अपन निकलते हैं भैया राइड पर, अब यहाँ जाएंगे ताबो। ताबो कितना दिखा रहा है? ताबो दिखा रहा है भैया 35 किलोमीटर यहाँ से, मीन्स दिखा रहा है 1 घंटे लगेंगे जाने में हमें वापस। जैसे आए थे बैक टू पवेलियन, वापस जो जा रहे हैं बैक जा रहे हैं हम वापस। तो यहाँ से दूरी दिखा रही है भैया 16 किलोमीटर, मीन्स ताबो का, ताबो मिनिस्ट्री। अभी तो रोड कुछ अच्छा भी आ गया, पहले तो पूरा खाई था इस साइड। अब पहाड़ देख रहे हो, कभी भी नीचे आ सकता है ये। It is think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, it is think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. So finally हम पहुंच चुके हैं ताबो। ये आपको क्या मेन एंट्री गेट ताबो का हो गया। तो अपन चल रहे हैं भैया मॉनेस्ट्री ताबो में। ताओ जो मिनिस्ट्री है वहीं जा रहे हैं अपन, जा रहे हैं। यहाँ से आपको काजा की दूरी बाकी है बस 40 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाते हैं, बहुत लोग यहाँ आते हैं स्टे भी करते हैं, बट अपन स्टे नहीं करेंगे, अपन निकल जाएंगे एक ही दिन में। मिनिस्ट्री है क्या भैया? हेलो, नहीं गेस्ट हाउस है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री। सो फाइनली पहुंच गए ताबो, ये आपको सामने में ताबो मिनिस्ट्री है। चलो चलते चलिए। तो अपन करेंगे एक्सप्लोर करेंगे ताबो मिनिस्ट्री, दिन यहाँ कुछ खाएंगे, दिन आपको वापस निकल जाएंगे यहाँ से। कहाँ निकलेंगे? जाएंगे आपको ढंकर मिनिस्ट्री। तो ये आपको होगी न्यू मिनिस्ट्री, और ओल्ड मिनिस्ट्री वहां पर है, वाली ओल्ड है, ये न्यू है। इन ताबों में भैया आपको शांति स्तूप है, सामने में जो है शांति स्तूप है। एक पहाड़ के ऊपर कुछ है स्तूप, देखो पहाड़ के ऊपर, यहाँ पर ये देखो ऊपर पहाड़ कुछ ऊपर कुछ है। तो अपन चलते हैं ओल्ड वाले में पहले, जो ओल्ड में तो अलाउड होगा नहीं कैमरा, पता है मेरे को ओल्ड में जो बना रहे थे ना स्ट्रक्चर, उसके भी हाफ में अलाउड करते नहीं कैमरा। ओल्ड मिनिस्ट्री यही है, मिनिस्ट्री के साथ में कुछ और भी है भाई यहाँ पर, जो 1000 साल पुराने वो है बना रखा है इन्हें, शांति स्तूप, यही मेरे ख्याल से है। तो ये वाली आपको ओल्ड मिनिस्ट्री है, न्यू वहां थी, यह ओल्ड वाली है। इसमें सारा काम मट्टी किया हुआ है। तो अपन ने भाई मिनिस्ट्री घूम चुके हैं, ये कहाँ पड़ता है आपको? ये पड़ता है ताबो में पड़ता है। तो क्या हिस्ट्री इसका है? हिस्ट्री बताता हूँ, ये आपको 1000 साल पुराने मिनिस्ट्री है जो पूरा मट्टी का बना हुआ है। ये आपको पूरा आपको हैंडमेडेड है, अंदर में अलाउड है नहीं भाई, कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर में गुरु जी है, उनके चेले बैठे हैं, 12 चेले बैठे हुए अंदर में, सारा का मूर्ति बना हुआ, पेंटिंग किया हुआ है। अब बोला ये भी जाता है कि ये भी जो स्तूपा है मट्टी का, वो उसी टाइम का है जब मिनिस्ट्री बनाया गया था, मीन्स 1000 साल पुराने स्तूपा ये भी है।
तो ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं, किसी को पता नहीं है, ये बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमें ये बताए हैं तो हम भी इसी के बारे में तो ये बता रहे हैं। तो आपको ये 1000 साल पुरानी पूरी मोनेस्ट्री है। तो ये कहाँ पड़ता है आपको? ये पड़ता है ताबो में। अब कहाँ जा रहे हैं भैया? अब हम जा रहे हैं आपको काजा। तो अब मिलते हैं काजा, मिलते हैं। तो भैया ताबो करते हैं बाय बाय ताबो सिटी को, और चलते हैं भैया ढंका मोनेस्ट्री। जो सारे आए हैं बाइकर, कंपनी से हार करके आए हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। जब बर्फ गिरती होगी यहाँ भाई, गजब का होता होगा व्यू। उस टाइम व्यू होता होगा देखने लायक। ये पूरा माउंटेन बर्फ से, ये पूरा रोड बर्फ से जाम, क्या व्यू होगा उस टाइम। ज़्यादा दिन नहीं है, नवंबर में गिरने वाला बर्फ, यहाँ पर नवंबर में चालू रहता है बर्फ गिरना। ये आपको पूरा, आपको ताबो है, पूरा एरिया आपको ताबो माता है। आप आपको होम स्टे भी कर सकते हैं, होटल भी है, सारा कुछ है। अगर होम स्टे करोगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, 500-600 का रूम मिल जाएंगे। अगर होटल लोगे तो ये 1000-2000 का रूम मिलता है। बट ज़्यादा ट्राई करना, अपन ट्राई करते हैं कि होम स्टे ही ले। अपन का आज का प्लान है, जहाँ रात हो गया वहीं पे लेंगे होम स्टे और सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे निकल जाएंगे टूर पर। अपना ही करते हैं काम। एक चीज़ और है भाई, कायदा के बाद कहीं भी आपको नहीं मिलेगा पेट्रोल पम्प, इसीलिए कायदा में अपना टंकी फुल करा लो एंड एक्स्ट्रा होता है गैलन ले लो, कि उसके बाद सीधे एक बार मनाली में है आपको गाड़ी में अगर तेल खत्म होता है तो इनकेस आप उसको फिल कर सको। तो अभी का अपडेट, हम ताबो से निकले हैं, जा रहे भाई ढंका मोनेस्ट्री, बट रास्ते में जो व्यू मिला उसका कोई जवाब नहीं है। व्यू देखो एक बार, पूरा पानी है भाई, मस्त। यही मैं सीन को खोज रहा था, कब से खोज रहा था सीन को, ये सीन कब, कितना देर के बाद मुझे मिला ये। यहाँ पे एक छोटा सा विलेज भी है सामने में, अब देख रहे हो एकदम शुद्ध पानी है भाई, दम ठंडा है पानी। तो जंगली चिपकली है, जंगली जंगली चिपकली है, ये चिपकली जंगली। तो अंकल आपको चाहते हो कुछ बोलना इस पर, इस व्यू के लिए क्या चाहते हो बोलना, व्यू के लिए, सीनरी के लिए क्या चाहते हो बोलना आप? मिलेगा नहीं ये, बस पहाड़ों में मिलता है व्यू, पहाड़ों में। हाँ। स्पीति वैली की भी आप देखो, यहाँ के पहाड़ हैं। हाँ। ये बाकी उत्तराखंड और तुम उधर हिमाचल में जाओगे और कहीं पे, उनसे एकदम डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट पहाड़। हाँ। पानी का कलर देखो। हाँ, एकदम देखो, क्लीन है। और ये स्पीति रिवर है, ये स्पीति रिवर है। हाँ। भाई इसी को बोलते हैं नेचर। हाँ, नेचर बोलते हैं। और कोल्ड रेगिस्तान मीन खुले, आपको ठंडा रेगिस्तान इसी को बोलते हैं। पानी वानी नहीं होता कभी, बहुत कमी होता है पानी। यही आपको स्पीति वैली का हो, और नदी का भी नाम आपको स्पीति ही है, और इसी के लिए स्पीति वैली फेमस है भाई। पूरा होता है सर्किट है, इसी के लिए फेमस है स्पीति वैली। भाई बाल की हालत पूरी खस्ता हो गई है, देख रहे हो बाल। अपन यहाँ जा रहे हैं भाई ढंका मोनेस्ट्री जा रहे हैं, अब निकलते हैं राइट पर। यहाँ तो मैप दिखा रहा है, और है 15 किलोमीटर, जो जल्दी पहुँचते हैं वहाँ करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये आपको थी स्पीति रिवर, जहाँ भी गए थे बहुत ठंड पानी थी भाई, मज़ा आ गया। और यहाँ से लगने वाला है 1 घंटा पहुँचने में ढंका मोनेस्ट्री। देख रहे हो व्यू भाई, व्यू कितना अच्छा है इसका। दूसरा कोई रोड ही नहीं है, यहाँ पर सिंगल लेन है, उस पर टूटा हुआ है ट्रक वाले, साइड मांगने वाले रख देंगे। चलो साइड तो दे दिया ट्रक वाले ने भाई। इसी सब के वजह से स्पीति वैली के रोड को बोलते हैं वर्ल्ड डेंजरस रोड, मिस दुनिया का सबसे खतरनाक रोड है ये स्पीति वैली का। और स्पीति वैली इसकी वजह से फेमस भी है, सिर्फ अपने रोडों कारण। इतना खतरनाक रोड है इसका, या कोई अंत नहीं है, इसीलिए फेमस है आपको स्पीति वैली। यहाँ पर रोड ही नहीं है। यहाँ से दो रास्ते गए हुए हैं, एक चला गया आपको, चला गया काजा, एक गया आपको ढंका मोनेस्ट्री। यहाँ से आपको है 8 किलोमीटर, मैप दिखा रहे हैं कि 8 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो फाइनली पहुँच चुके भैया ढंका मोनेस्ट्री। आपको सामने मेन गेट है, वो पहाड़ों बसाओ देख रहे हो, यहाँ पर आपको है मेन एंट्री गेट मोनेस्ट्री का। ये मोनेस्ट्री नहीं है, मोनेस्ट्री में खाली ऊपर वाला है, यही है, पता नहीं। और ऊपर ही दिखा रहा है, मोनेस्ट्री दिखा रहा है।
मोनेस्ट्री से दिखा रहा है वो वाला, जो ओल्ड मोनेस्ट्री है आपको वो वाला है, ये नहीं है। तो मैप वही बता रहा है मोनेस्ट्री। सो फाइनली पहुंच गया भैया धनकर मोनेस्ट्री। ये आपको सामने मोनेस्ट्री है, जो मोनेस्ट्री का बनावट है वो देखने लायक है। चल सौरभ आजा, चलो देखो। पूरा मट्टी के पहाड़ बनाया हुआ है, बिल्डिंग बनाया हुआ है, सारा बिल्डिंग जो है पूरे मट्टी के पहाड़ बनाया हुआ है। जितने भी डिजाइन किए हुए सारे मट्टी के पहाड़ किए हुए हैं, ये सारे पहाड़ मट्टी के भाई, सारे पहाड़ जो है ना ये सारा मट्टी का पहाड़ ही। नाखून से लगाओगे अंकल तो गिर जाएगा, ठीक है ना, नाखून मत लगाना इसमें। नाखून लगाने पर ये अपन गिर जाएगा पहाड़। मोनेस्ट्री यही है आपको, ये मोनेस्ट्री का मेन गेट हो गया। चले अपन जल्दी इन करते, टाइम नहीं लगाते अपन करने में। तो अपन मोनेस्ट्री अंदर इन कर रहे हैं, देखते हैं भाई। तो पूरा मट्टी का बना मोनेस्ट्री बना हुआ, टिकट कहाँ लेना पड़ेगा भाई। ये आपको मोनेस्ट्री हो गया, अंदर में अलाउड नहीं बनाना है। यहाँ टिकट लगते हैं 25 रुपये, अंदर में अलाउड नहीं है। बिल्डिंग आपको ये तो चलो एंट्री हो गया, हम घूम लिए, घूम को वापस चलते हैं भाई आजा। तो अपन चलते हैं नीचे, आओ मोनेस्ट्री में। तो पूरा मट्टी का बनाया हुआ है ये मोनेस्ट्री, जो भी है ना पूरा मट्टी का बनाया हुआ है, मतलब कुछ वो नहीं, सीमेंट इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया, सीमेंट का हल्का फुल्का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ मूर्ति है। तो एक चीज है भाई, तो ढांका मोनेस्ट्री है आपको वर्ल्ड हाईएस्ट मोनेस्ट्री है, मीन्स वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मोनेस्ट्री है। देख लो अंदर पर अलाउड नहीं कैमरा वैमरा, बट ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोनेस्ट्री है। और व्यू चेक करो एक बार, हम ऐसे ऐसे घूम के आए भाई 9 किलोमीटर ऊपर। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री है भाई ढांका मोनेस्ट्री। ये व्यू है, ये सब जो लगा रखे हैं इसलिए लगाया है कि यहाँ पर ठंड रहे, पता ना गर्मियों में ठंड रहता है, और गर्मियों जी ठंड में रहते हैं गर्म रहते हैं गर्म, इसलिए लगा रखे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं ढांका मोनेस्ट्री। सो बता गाइस ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह के साथ।